हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NPCIL की रिगार्डिंग। तो NPCIL की रिगार्डिंग हम जो यहाँ पे बात करेंगे, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नया अपडेट आया है NPCIL की रिगार्डिंग। तो नया अपडेट क्या आया है, इसकी वैकेंसी जो है पहले ही आ रखी थी, हमने बता रखा था। तो उसका एडवर्टीजमेंट नंबर देख लेते हैं, वो एडवर्टीजमेंट नंबर क्या था। तो ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर था, काकरापर गुजरात साइट HRM/2022/2018 जो है, जहाँ पे बात किया जाए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, देन यहाँ पे स्टीमिंग ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकली थी। तो जिसकी लास्ट डेट अगर आपको याद हो तो इसकी जो लास्ट डेट थी आपका 31 जनवरी रखी गई थी, ठीक है। तो अब जो है इसका एक अपडेट आया हुआ है एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। तो जो है अब यहाँ पे बात करेंगे इसका एग्ज़ाम जो है कब कंडक्ट होगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि इसका एग्ज़ाम जो है कब कंडक्ट होगा। तो आज जो है आपको मैं बता रहा हूँ इसका एग्ज़ाम ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। साथ साथ यहाँ पे एग्ज़ाम डेट के अलावा मैं आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न बताऊँगा, किस प्रकार का एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, कैसे जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो ये सारी चीज़ जो है इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो है अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज आ रखी थी। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी जो आ रखी थी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसीज आई थी उसमें जो है मैकेनिकल की 26 सीट, इलेक्ट्रिकल की 17 सीट, इलेक्ट्रॉनिक की 5, केमिकल की जो है 3। इसमें जो है BSc के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। और इसमें जो है ऊपर मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक में जो था इसमें एक डिप्लोमा के कैंडिडेट जो है, आप अगर आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, अगर BTech भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल थे। देन यहाँ पे अगली जो पोस्ट आ रखी थी वो है स्टीमिंग ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, जहाँ पे BSc के कैंडिडेट जो है एलिजिबल थे। देन यहाँ पे सिविल के कैंडिडेट जो है एलिजिबल थे सिविल में। इसी तरह बात किया जाए टेक्नीशियन के लिए और बाकी पोस्ट के लिए, तो देखिए यहाँ पे जो है प्लांट ऑपरेटर में जहाँ पे 12th मांगता है, यहाँ पे जो है 12th क्वालिफिकेशन मांगता है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो इसकी जो है 51 सीट्स थी। और बाकी जो सीट्स है जैसे फीटर के लिए जहाँ पे ITI कैंडिडेट हैं इनके लिए जो है वैकेंसी आ रखी थी। तो ये सारी चीज़ जो है मैंने आपको पहले बता दिया था। बेसिकली आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके एग्जामिनेशन डेट की। तो एग्जामिनेशन डेट देख लीजिए क्या है इसका, इसका अपडेट आ चुका है। तो इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपका ऑनलाइन जो टेस्ट होगा इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन बेसिस पे होगा। तो इसका जो ऑनलाइन टेस्ट का डेट है वो आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इसका एग्जामिनेशन डेट है आपका 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर के बीच में जो है यहाँ पे कंडक्ट कराने की बात की गई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, 7 नवंबर से लेके आपका 11 नवंबर तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है मोस्टली इसका गुजरात ही होगा और गुजरात में ही इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। तो इसका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो सारी चीज़ जो है आपको नेक्स्ट वीक जो है जनरेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है उनके लिए। तो ये जो एग्ज़ाम होने की बात कही गई थी वो अप्रैल में होना था, लेकिन ये जो है पोस्टपोन हो गया है, अब जो है नवंबर में होने वाला है। तो इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी हम डिप्लोमा वाले की ऐसे की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपके 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें ABC 3 सेक्शन रहेंगे, 40 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे और यहाँ पे किसी पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा ये जो रिटर्न टेस्ट होगा देन इंटरव्यू होगा, रिटर्न टेस्ट का जो है 50% मार्क ही लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा रिटर्न टेस्ट का 50% वेटेज ही लिया जाएगा, बाकी 50% जो रिमेनिंग वेटेज है आपके इंटरव्यू के बेसिस पर जो है सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ये जो है आपको जितना आप ज़्यादा इसमें गेन कर सकते हो उसका जो है 50% लिया जाएगा, बाकी जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू यहाँ पे होगा जहाँ पे 5 मेंबर की कमिटी बैठती है वहाँ पे आपका इंटरव्यू लेगी। तो उसका जो इंटरव्यू में जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके 50% परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे काउंट होगा, दोनों मिला के जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो 120 क्वेश्चन में जो सेक्शन ए था मोस्टली जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी सेक्शन बी और सी में जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर बात किया जाए कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हो, कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है और ऐसा भी नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल की अगर आप बात करोगे तो ये सारा जो क्वेश्चंस है आपका मॉडरेट लेवल का जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके एग्ज़ाम में। तो ये हो गई इनकी बात साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। अब हम बात करेंगे प्लांट ऑपरेटर और बाकी पोस्ट के लिए। BSc वाले कैंडिडेट के लिए भी सेम है, उनका भी जो सिलेबस है उसी सिलेबस से पूछा जाता है और अच्छा खासा मतलब मॉडरेट लेवल जो है पेपर होता है।
ये थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी वो 50% ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू और 50% ऑन द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम जो टेक्नीशियन और STTM की बारे में, तो देखिए इनका जो पेपर है प्री का पेपर उसमें क्या क्वेश्चन पूछे, इनका दो है, देखिए इनका जो है दो लेवल होगा, एक प्री लेवल होगा एक एडवांस लेवल होगा। तो प्री लेवल में जो है मैथमेटिक्स को 20 के क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन जो है टोटल होंगे, जिसमें से आपको अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए यहाँ पे, तो टाइम ड्यूरेशन भी लगभग एक घंटा जो है यहाँ पे दिया जाता है स्टेज वन के लिए। स्टेज वन जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, स्टेज टू के बेसिस जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए स्टेज टू में जो सिलेबस रहता है आपका 2 घंटे का पेपर होगा, और पेपर जो रहेगा अगर प्लांट ऑपरेटर की बात की जाए तो इसमें जो है PCM के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पूरा टोटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ITI के जो है ITI ट्रेड से उनसे पूछे जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है हमने वीडियो बना रखा है, अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं BRC के रिगार्डिंग और इनका NPCI के रिगार्डिंग, तो वो सारे वीडियो देखिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। हमने पेपर भी डिस्कस कर रखा है इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर का, तो वो भी आप देख सकते हैं। देन अगर बात की जाए ये इनके जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसमें जो है जो बात की जाए जैसे कि ITI वाले कैंडिडेट हैं उनका जो है स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, तो स्किल टेस्ट में जो है स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। बाकी जो प्लांट ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं उनका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, उनका मेंस प्री और एडवांस, तो जो एडवांस टेस्ट है उसके बेसिस उसके मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो ITI वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है हमने स्किल टेस्ट रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले ही इसके रिगार्डिंग बता दिया है आपको। और बात की जाए अगर आप चाहे पेपर की, तो पेपर में देखिए जैसा कि अगर प्रीवियस ईयर का पेपर जो है ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल का ये पेपर सॉल्व कर रखा है और कुछ मैकेनिकल के पेपर भी सॉल्व कर रखे हैं, तो उसे आप जाके देख सकते हैं फॉर STTM और SA की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के रिगार्डिंग, NPCIL में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो इन वीडियो को ज़रूर देखिए और फॉर्म को फिलअप करिए लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।